अब आपने वीडियो जारी करके अपील की कि नकुल नाथ को वोट दिया जाए, क्या है ये हृदय परिवर्तन? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जिम्मेदारी छिंदवाड़ा की जनता ने दी है उसमें हमें काम करने में मुझे असुविधा होगी, तो मेरा दिल कुरेंदा था कि कैसे मैं जिस व्यक्ति के कारण सब कुछ हूँ आज उनके कारण सब कुछ हूँ और उनके साथ नहीं। तो बीजेपी में गए क्यों आप? तैतीस साल के विक्रम हके हैं हमारे साथ, जो कि छिंदवाड़ा के मेयर हैं, सबसे कम उम्र में मेयर बने थे छिंदवाड़ा में, और अब उन्होंने ऐसा वीडियो जारी कर दिया है जिससे छिंदवाड़ा में तहलका मच गया है। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे, भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी महीने 18 दिन पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और अब आपने वीडियो जारी करके अपील की कि नकुल नाथ को वोट दिया जाए, क्या है ये हृदय परिवर्तन? देखिए, जो मैंने 1 तारीख को जो डिसीजन लिया था, परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई थी कि मेरे से पूर्व में हमारे नगर निगम के 14 पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, हमारी परिषद अल्पमत में आ गई थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जिम्मेदारी छिंदवाड़ा की जनता ने दी है उसमें हमें काम करने में मुझे असुविधा होगी, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक पॉलिटिकल रूप से शायद मैंने अच्छा निर्णय लिया होगा, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैंने गलत निर्णय लिया। ऐसे इंसान जिन्होंने मुझे गांव से लेके छिंदवाड़ा का महापौर बनाया, वेटर से लेके मेयर बनाया, होटल में आपने वेटर का भी काम किया था, वेटर का काम किया, मजदूरी का काम किया, सारी चीज़ें की, और पूरा श्रेय अगर मैं यहां तक आया हूं तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की वजह से है। और तब उनको मैं इतनी 77-78 की एज में उनको इतना मेहनत करते हुए देख रहा था और मैं उनके साथ नहीं था, तो मेरा दिल कुरेंदा था कि कैसे मैं जिस व्यक्ति के कारण सब कुछ हूँ आज उनके कारण सब कुछ हूँ और उनके साथ नहीं। तो बीजेपी में गए क्यों आप? परिस्थितियाँ वैसी निर्मित हो गई थी, 15 पार्षद चले गए थे, 14 पार्षद चले गए थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि महापौर से पद से हट जाएंगे, काम करने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज जो मैंने निर्णय लिया हूँ, जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी, अब पद रहे, पोस्ट रहे, ना रहे, मैं कमलनाथ जी के साथ हूँ और हमेशा। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का कोई फ़ोन आया था, भारी दबाव है आपके ऊपर? बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, मेरे इतने डिसीजन लेने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई कॉल इस तरीके से नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन अंतरात्मा मेरी गवाही नहीं दे रही थी कि मैं इस वीडियो में, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत दबाव में हैं, काफ़ी टेंस हैं। तनाव था, तनाव है, क्योंकि इतने बड़े डिसीजन में अब 15-20 दिन के अंदर इतने बड़े घटनाक्रम में रहो और फिर एक डिसीजन पे आना, और ऐसा लग रहा था कि अगर 2-4 घंटे में मैं डिसीजन नहीं लूँगा तो फिर आने वाला सब कुछ खत्म हो जाएगा और आने वाले कई साल तक अपने जीवन तक मैं। कोई डर तो नहीं था कि नकुलनाथ जी जीत जाएंगे तो आपके ऊपर कुछ विपदा आ सकती है या पॉलिटिकली आपको किनारे किया जा सकता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं उनके साथ आया हूँ तो सरकार के खिलाफ आया हूँ और उधर गया था तो इनके खिलाफ है, ऐसा किसी प्रकार का डर नहीं है। उस समय जो डिसीजन लिया था वो उसमें आप दो बार कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा, तो ये इसका मतलब क्या है? उस समय जो डिसीजन लिया था वो दिमाग से लिया था, आज जो डिसीजन लिया हूँ दिल से लिया हूँ। मेरा पता नहीं क्या होगा, इसमें कोई किसी तरह का डर है? निश्चित तौर पर इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आने वाली परिस्थितियाँ कैसे निर्मित होंगी उससे मैं भी अभी अनभिज्ञ हूँ और जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसको निपटेंगे। अभी स्थिति क्या है, साफ कर दीजिए, आप बीजेपी में अब हैं या नहीं हैं? मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की भी अभी मैंने सदस्यता नहीं लिया हूँ, अगर वो मुझे शहर स्वीकार करते हैं तो मैं कांग्रेस में जाना चाहूँगा। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, ABP News, छिंदवाड़ा।